देखो तो सबसे पहले जो ये टॉपिक है हम लोग कल पढ़े थे कहाँ था, ये नेपोलियन कोड का ड्रॉबैक और नेपोलियन। तो सबसे पहली बात है, उसके बाद का जो टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवादी भावना बनने का कारण क्या, पहले से लोग राष्ट्रवाद क्यों नहीं या राष्ट्रवादी क्यों नहीं। तो उसका सिंपली अर्थ है कि द मिड 18th सेंचुरी देयर वर नो नेशन स्टेट इन यूरोप। सबसे पहली बात तो मिड 18th सेंचुरी में आप भारत लो या यूरोप लो, उसमें कोई भी नेशन स्टेट क्या था, नहीं था। ठीक है, आप यूरोप को लीजिए, भारत को लीजिए या जनरली और कोई भी कंट्री जाइए, तो आपको कहीं भी देखिए 19वीं शताब्दी के बाद ही, 19th सेंचुरी के बाद ही आपको नेशन स्टेट मिलेगा। रेयर केस में एक दो मिल सकता है, वैसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, रेयर केस में एक दो मिलेगा। तो सीधी सी बात है, मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750, क्रांति कब आई 1789, मतलब ये उससे पहले की बात है। फ्रेंच में या यूरोप, ये तो बात यूरोप को हो रही है, तो 1789 में फ्रांस से जी क्रांति आई, धीरे धीरे वहीं से क्या हुआ, नेशनलिज्म का भावना जागने लगा। तो 1750 के टाइम में वहां पर यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट वैसा खास नहीं था। अब आता है कि जर्मन, इटली, ये सब जो थे इसके अपने ऑटोनोमस रूलर थे, स्वायत्तता मतलब जिसका खुद का उस टेरिटरी पे क्या था, अधिकार होता था। जैसे दिया हुआ है जर्मनी इटली एंड स्विट्जरलैंड हैड देयर ऑन ऑटोनोमस रूलर। जैसे हम देखेंगे कि 1857 से पहले ऑटोनोमस रूलर थे, इसका मतलब क्या कि छोटे छोटे क्षेत्रों पर अलग अलग राजा राज करते थे। आप पाल वंश को ले लीजिए बंगाल में, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, चोल, ये सब अलग अलग शासक हुआ करते थे। ठीक है, आप ले लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी एक शासक थे। तो ऐसा नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में विविधता नहीं थी, विविधता थी सबके समय में, अभी भी विविधता है। लेकिन दरअसल हुआ क्या कि अभी के समय को और उसके समय को हम लोग क्या कर सकते हैं, दबा मतलब कंपेयर नहीं कर सकते, हम एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। जैसे उस समय के राजा क्या थे कि अब कोई कंट्री अलग होना चाह रही है तो उसको मार काट करके क्या कर देना है, किसी तरह से दबा देना, उसको खुद से अलग होने नहीं देना। एग्जाम्पल ले लीजिए, आज से 3-4 साल पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होना चाह, अलग राज बन गया ना, यही अंतर। वहां पर राजतंत्र और लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में यही अंतर कि राजा कभी भी अपने से कोई भी टेरिटरीज को अलग होने नहीं देना चाहता था। लेकिन यहाँ पर अगर तेलंगाना को लगा कि हम आंध्र प्रदेश से अलग होना चाहते हैं तो वो अलग हो गया। ठीक, तो उसी तरह से यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, इटली में सबके ऑटोनोमस रूलर थे, अलग अलग राजा रहते थे, अलग अलग बोली था, और फिर क्या था कि इसका डिफरेंट लैंग्वेज था, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज,
डिफरेंट लैंग्वेज और वे इतनी ग्रुप समझिए छोटे छोटे क्षेत्र हैं, अलग अलग बोली भी होगा, अलग अलग डायलेक्ट्स होगा, तो यहाँ पर सब जो लोग अलग अलग भाषा बोलते थे इससे भी लोगों में एकता नहीं आ पाती। अब अलग भाषा बोल रहा है तो स्वाभाविक के लोग समझेगा कि अरे ये अलग भाषा बोल रहा है कैसे हम इसके साथ हो सकते हैं। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, अलग अलग जातीय समूह के थे, जाति उस टाइम भी थी, वर्ण व्यवस्था उस टाइम भी थी, और ये यहाँ की बात नहीं है, सब जगह की बात है कि वर्ण व्यवस्था सब जगह हावी था। यही है कि भारत में वर्ण व्यवस्था हो गया तुम्हारा चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, लेकिन यूरोप में ये तीन थे। सबसे पहले ऊपर जो प्रीस्ट हो गए, फिर मिडिल क्लास आपका बिजनेसमैन हो, फिर हो गए पीजेंट, वहाँ तीन ही ग्रुप चलता था और यहाँ पर चार। क्यों? क्योंकि हम मिथोलॉजी के अनुसार पढ़ते हैं, मिथोलॉजी समझ में आता है ना, मिथ, तो उसके हिसाब से पढ़ते हैं कि ये जो चारों वर्ण है ये ब्रह्मा जी के मुख से, ये भुजा से, ये जंघा से और ये तुम्हारा पैर के नीचे से आए। ठीक, तो उसी तरह से क्या था कि सबसे पहली बात है अगर कि कोई पूछे कि 1789 में जो क्रांति हुई तो उससे पहले का यूरोप कैसा था, तो सीधी सी बात है कि बीचवीं 18वीं सेंचुरी 1750 तक वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। सबका जैसे एग्जाम्पल दे सकते हो जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड पे ऑटोनोमस रूलर थे, उनका अपना एक छोटा सा क्षेत्र था और उसी पे वो क्या करते थे, राज करते थे। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा बोलते थे और दे बिलोंग्स टू डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स, वो अलग अलग इथनिक ग्रुप्स में थे। देखो बटने का काम कैसे होता है, जैसे अभी लोग बनाते हैं अलग अलग समूह, अभी देखोगे एक दो ग्रुप आता है राजपूत ग्रुप ऐसे करके, मतलब छोटा छोटा जो ग्रुप है अलग अलग तरह, तो उसी तरह से देश विभाजन का काम होता है कि आप छोटे छोटे, ये क्या है, इथनिक ग्रुप्स ही है ना, आप जातीय समूह है लेकिन इसको दूसरे को सामने प्रदर्शित करना, कोई जो अभी लोग लगाएगा फेसबुक पे स्टोरी लगाएगा तो लिख देगा भूमिहार, क्या है ये सब, इससे आपस में मतभेद होने की संभावना है। जहाँ पर दो अच्छे दोस्त हैं वहाँ पर अगर कास्टिज्म आ जाए, ऐसे भी बिहार में तो ये चीज़ हावी है, यहाँ बैठोगे तो पहले हाल बाद में जाति पहले पूछेगा कौन जात का है, हाल चाल नहीं पूछेगा, चाय नहीं पिलाया पर कौन जात का है तब बैठाएगा। तुम हाल में गए थे बगल में एगो, तो वहाँ पर कुछ आदमी आए थे चेकिंग करने के लिए, तो उनको जब कोई पानी पिलाने लगा तो बोले कि नहीं नहीं हम पानी नहीं पिएंगे, तो बाद में पता चला कि वो नीचे जात का था इसलिए उनके हाथ पर पानी नहीं पिया उसके द्वारा। ठीक है, इसको नोट करो। तो इसी वजह से क्या है कि सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। ठीक है, यूनिटी मतलब कि इसी सब कारणों के वजह से क्या होता था, टीवाई होगा, कारणों के वजह से क्या होता था कि एकता नहीं आ पाता था। अलग अलग लोग थे, अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग लोग वहाँ पर राज करते थे, अलग अलग जातीय समूह थी, तो इस वजह से क्या होता था कि वहाँ पर कभी भी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस नहीं होता था। अब सब यही इसी चीज को कलेक्ट करने के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज क्या क्या काम करते थे, फादरलैंड, लॉ पैट्रीज, लियो सिटीजंस, एक झंडा तैयार किए, तो ये सब चीज काम किए। ये असल में इस चीज उससे पहले का टॉपिक है, लेकिन एनसीईआरटी है तो बाद में दिया, इसलिए तो एनसीईआरटी समझ पाना मुश्किल है, तो इसको पहले से समझो। समझ लो कि एक कहानी है कि पहले वहां पर इतना जातीय समूह था, अलग अलग लोग बोलते थे, इसलिए वजह से क्या हुआ, कभी भी लोग एकत्रित हो नहीं पाए। अब अलग अलग जातीय समूह क्या थे या वर्ण व्यवस्था क्या थी उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें जो है वो है एरिस्टोक्रेसी या एरिस्टोक्रेट,
एरिस्टोक्रेट और किसी में लिख लेते मिडिल क्लास। क्लास और फिर प्रिजन। तीन तरह का समूह था और असल में ये बाद में आया। शुरुआत से दो ही ग्रुप था वर्चस्व समूह जिसको हम लोग जान रहे थे। सबसे पहले एरिस्टोक्रेट क्या था इसके पास, तो अपना जमीन था, ठीक है, जमीन था। सब लोग शादी विवाह से बंधन में बंधे हुए थे। गांव में जमीन था, घर वहां शहर में हमला, ये हमला बोलते हैं, हवेली था, ठीक है। तो अब आता है कि सबसे पहले इसको लिखना है कि डोमिनेंट क्लास। डोमिनेंट क्लास, क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, इसका मतलब कि डोमिनेंट। डोमिनेंट पढ़े होगे तुम बायोलॉजी में, हेरिडिटी में। डोमिनेंट ट्रेड, ट्रेड ट्रेड नहीं बताते हैं, एक जो मेंडलीव किया था हेरिडिटी रिवॉल्यूशन, हेरिडिटी है कि नहीं, कि कट गया है हेरिडिटी रिवॉल्यूशन, कट गया है। उसमें देखो एक होता था स्मॉल एक्स और एक कैपिटल वाई, और दो में है कैपिटल वाई कैपिटल एक्स। जैसे कोई पी में वो एक्सपेरिमेंट किया था, पी मतलब जानते हैं ना वो छिमड़ी जो होता है, चिमनी, उसमें वो क्या किया था, नाटा पौधा लगाया था। देखो उसमें था टॉलर और शॉर्टर, सबसे टॉलर टॉलर। तो जब ये क्रॉस पॉलिनेशन होता था तो इससे कभी बन जाता था शॉर्टर, अगर डबल कैपिटल टी बन गया तो लंबा पौधा बन जाएगा, चार, ठीक। तो पहली बात तो एक लंबा बन गया, एक लंबा बना, दो लंबा बन गया, ठीक। तीसरा मतलब उसमें से तीन देखते थे कि हम लोग शॉर्टर, तीन लंबा पौधा बन रहा है और चार चौथा आते आते छोटा हो जाता, एक छोटा। तो अब अगर तुम कह सकते हो कि टी टी करके अगर तीन है और एक टी और एस है, तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें डोमिनेंट में कौन है, बराबर, मेजॉरिटी में कौन है, बराबर। तो यही है डोमिनेंट ट्रेट, हेरिडिटी रिवॉल्यूशन में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेगा डोमिनेंट ट्रेट, साइंस में भाई बायोलॉजी। तो अब आता है कि डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट, मतलब ये लोग मेजॉरिटी में थे, कहीं पर भी इनका वर्चस्व था, ठीक। दूसरा है कि दे ऑन स्टेट्स इन द इन कंट्री साइड, सी ओ यू एन टी आर वाई साइड एंड Also, town of देखो कंट्री साइड में कंफ्यूज नहीं होना है, कंट्री साइड वो नहीं कंट्री साइड है, कंट्री साइड का मतलब यहाँ पर है देहात। पढ़ाए थे डिविलियन इन कंट्री साइड, देहात में विद्रोह, सेकेंड चैप्टर में तुम आया होगा कि नहीं, अगर देहात में विद्रोह तो यही क्या है कि दे ऑन स्टेट्स इन कंट्री साइड, इसका अलग से जमीन था कहाँ पर, तो देहात में, गाँव में, और एंड आल्सो टाउन टाउन हाउसेस, और इसका एक टाउन में भी हाउस था, ठीक है। फिर आता है कि सबसे पहली बात कि ये लोग दे स्पोक फ्रेंच, भाषा बोलते थे, दे स्पोक फ्रेंच, कनेक्टेड कनेक्टेड बाय टाइज और मैरिज और स्मॉल सबसे पहली बात फ्रांसीसी बोली बोलते थे, क्यों, क्योंकि सबको लगता था कि हम फ्रांसीसी बोल रहे हैं तो सब उनको बहुत मानेगा। जैसे देखते हैं ना दिल्ली में जाओगे तो डैडी, अब पापा के नाम से के लिए पॉप्स, तो उससे लगता है कि हम बहुत बड़ा लोग कहलाएंगे, लेकिन उससे बड़ा लोग मूर्ख कहलाता है। तो अब आता है कि कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, शादी के विवाह के बंधन से बंधे हुए रहते थे, और ये छोटा समूह था, बहुत बड़ा ये व्यापक रूप से नहीं हुआ था। और दूसरी बात है कि तुम्हारा पीजेंट्री,
सोसाइटी और डिडंट हैव मच लैंड दे वेयर इन मेजोरिटी देखो सबसे पहली बात कि पीजेंट जो थे वो गरीब थे, ठीक है। सोसाइटी में, समाज में जो सबसे गरीब लोग थे वो किसान वर्ग के ही लोग थे। डिडंट हैव मच लैंड, खुद किसी के पास लैंड ज्यादा था नहीं और किसी के पास होता ही नहीं था। एक चीज और ही हो जाता है, समवन हैज नो लैंड, ठीक है, किसी के पास कम था और किसी के पास था ही नहीं। अब आता है कि दे वर इन मेजोरिटी, ये लोग मेजोरिटी में, ठीक है। इसको स्मॉल ग्रुप अगर लिख सकते हो तो इसको लिख सकते हो मैं माइनॉरिटी, ठीक, और दे वेर इन मेजोरिटी, ज्यादा थे ये लोग। और दे वेर नॉट पावरफुल, पावरफुल किस प्रकार से, बॉडी के हिसाब से नहीं, पर सामाजिक। शुरुआत में पढ़ोगे कि जितने भी राजा महाराजा थे वो सब एरिस्टोक्रेट के ही सहारे चला करते थे, कुलीन वर्ग के लोग, साहूकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तभी तो उसको पैसा जाएगा, तब उस राजा का कोष भरेगा। अगर वो किसान को ही अपने अंदर में मिलाने लगे, किसान उसको क्या पहुंचाएगा, गेहूं पहुंचाएगा, चावल पहुंचाएगा, इससे ज्यादा कुछ पहुंचा सकता है। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, एरिस्टोक्रेट, सोना चांदी हीरा, तो इससे इसका जो कोष क्या होगा, भरेगा। तो उसी तरह से ये लोग पावरफुल नहीं थे और वर्क ऑन एरिस्टोक्रेसी लैंड या एरिस्टोक्रेट के लैंड में ये लोग काम करते थे। अब आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, आगे पढ़ोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण में ना तो पीजेंट्री ज्यादा हाथ हस्तक्षेप करते थे और ना तो एरिस्टोक्रेट, क्यों, पीजेंट्री अब चाहेंगे, अभी ऐसे ट्रेंड चल गया है कि गांव के किसान गांव छोड़ करके बाहर मुंबई दिल्ली सूरत कमाने जाते हैं, काहे तो यहाँ उनको मतलब भरपाई नहीं हो पाता, अभी ये ट्रेंड है। लेकिन शुरुआत में ये ट्रेंड ऐसा नहीं था, लोग खेत में ही काम करना चाहते थे। तो औद्योगिकरण के बाद एक आपका मिडिल क्लास ये वर्ग जो है सामने आया, जो समूह है सामने आया, और इसको लिख सकते हो देवेयर नाइदर वेरी पुअर नॉर वेरी रिच, ये ना तो ज्यादा गरीब थे ना तो ज्यादा अमीर थे, सब चीज को समान लेकर के चलने वाले थे। मिर्जापुर देखे हम, गुड्डू भैया, मिडिल क्लास आदमी, नहीं आदमी जो साइकिल उठा पटक देता है, ठीक है, तो वही गुड्डू भैया वाला ग्रुप है, ठीक है। तो अब आता है कि हाँ एजुकेटेड लिख सकते हैं, देवर एजुकेटेड और एक्टिव भी कर सकते हैं, हाँ एक्टिव वो नहीं एक्टिव कर सकते, वो सक्रिय, ये भी एक्टिव ही, हाँ इसको भी एक्टिव कर सकते कि ये किसी भी क्षेत्र में सक्रिय रहते थे। अब एरिस्टोक्रेट को घर से महल से निकलने फुर्सत नहीं, पीजेंट को खेत से काम करने से फुर्सत नहीं, तो जो आदमी बचा वो यही न बचा, कैसे, अब गया काम करने जा रहा है रास्ता में औद्योगिकरण, तो दो आदमी मिलकर बात करे, अरे वहाँ देखे ये हो गया, वहाँ देखे ये हो गया, तो यही हुआ एक्टिव सिटीजन, ठीक है। तो इसको नोट, इसमें जो अब आया नेशनल यूनिटी या उसको कह सकते हो नेशनलिज्म का भावना किसमें आया, इसी लोग में आया, इसमें मिडिल क्लास, ठीक है, और बाद में आके तुम्हारे पीजेंट्री लोग जो है ये सब आके मिले। और इसको पढ़ोगे लिबरलिज्म दिया रहता है, लिबरलिज्म मतलब उदारवाद। तो थर्ड जो टॉपिक है तुम्हारा 2.3 का, नहीं 2.3 नहीं 2.2 ही है, व्हाट डिड लिबरलिज्म नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो सीधी सी बात है, उनका राष्ट्र के बारे में क्या मतलब था। अब सब देखो राष्ट्र का मतलब अलग अलग लगाता था कि हमारा एक राष्ट्र रहेगा, कुछ लोग राष्ट्र बनाया
राष्ट्र का गठन किया तो उसमें अब किसका इसका तुम्हारा वोटिंग राइट्स ही नहीं दिया। तो सबके लिए राष्ट्र का मतलब अलग अलग रहता है, सबके लिए रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति का मतलब अलग अलग रहता है। जैसे तुम सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़े होगे हिस्ट्री में इंडिया के बारे में, तो सबके लिए असहयोग आंदोलन अलग अलग रूप से था। अब जो लोग थे तुम्हारा रेलवे वर्कशॉप में काम कर रहे असहयोग को क्या क्या छोड़ छाड़ के सब चल गया, चाय के बगान वाले लोग असहयोग छोड़ छाड़ के चला है, तो सबके लिए असहयोग का मतलब अलग अलग है। उसी तरह से सबका राष्ट्र का बनने का या बनाने का नजरिया क्या था, अलग अलग था। उसी में से एक निकल कर आए लिबरलिज्म, ठीक है, उदारवादी। तो ये है आपका सबसे पहले लिबरलिज्म। ये सबसे पहला जो चीज चाहते थे वो चाहते थे एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, क्रेसी रूल। फिर है देखो, ये सबसे पहले चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी रूल जो है वो मेरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरी बात है कि पीपुल्स मतलब लोगों के सहमति से हमारा एक क्या बने, सरकार बने, न कि खुद से बन जाए, सब लोगों के सहमति से सरकार। क्यों? क्योंकि ये लिबरलिज्म है, लिबरल है, उदारवादी है, ये कुछ चेंज चाहते हैं। कैसा? तो व्यापक, ठीक। अब आता है कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सब लोगों का एक अलग स्वतंत्रता सब लोगों को मिलनी चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेज और कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन एंड गवर्नमेंट। तो सबसे पहली बात है कि कोई भी कानून बने उससे पहले हमको समानता को देखना है सबसे पहले। उसके बाद इसका आता है शायद पुजारियों को, शायद जो बड़े बड़े उच्च वर्ग को जो जन्म विशेषाधिकार दिए गए थे उसको भी क्या करना था, खत्म करना था। और था कॉन्स्टिट्यूशनल था, राजा बना नेपोलियन, अभी ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल। वो बात अलग है कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन कोई देखा नहीं, जैसे भारत का संविधान है ना बुक के, तो वैसा कॉन्स्टिट्यूशन उसका है नहीं, कहता है कि पन्ना में है कहीं रखा हुआ, तो वो कोई देखा नहीं। उसी तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशनल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट रहना, लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला गवर्नमेंट होना चाहिए, न कि खुद को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करने वाला। तो सबसे पहली बात है कि अभी जो हम पढ़ गए वो 1789 से पहले या 1789 तक के समाज का अध्ययन कर रहे हैं कि वहां के समाज के लोग कैसे थे, समाज में कैसी विविधताएं थी। इससे पहले हम लोग पढ़े ना विविधता, एरिस्टोक्रेट, मिडिल क्लास, उससे भी पहले आए कि अलग अलग लोग थे, अलग अलग जातीय इतनी ग्रुप्स था, अलग अलग तुम्हारा लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग डायलेक्ट्स था। तो डायलेक्ट्स के बाद पर है कि एरिस्टोक्रेट, मिडिल क्लास और पीजेंट वर्ग के लोग। अब आता है कि उसी में जो नेशनलिज्म का भावना हुआ पैदा मिडिल क्लास लोगों में, तो वो सब चीज क्या क्या चेंजेस चाहते थे, उनका क्या क्या जो था मतलब एम था कि होता है ना कि हम क्या कर सकते हैं चेंज करके, तो यही सब एम था उसका या क्या चाहते थे।
तो यही सब चेंजेस चाहते थे। अब देखो ये समझने वाली बात है, चेंज चाहने लगे लोग, रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, फिर नेपोलियन आया, कोड लाया, तब ये ट्रीटी ऑफ वीना अगले वाले में तुम्हारा 1814 में दिया हुआ है। देखिए ये लिबरलिज्म स्टैंड फॉर, और तब आया ट्रीटी ऑफ वीना। तो हम लोग जो पहले पढ़े हैं दो चार टॉपिक नेपोलियन कोड का, अगर उसको इसके बाद भी पढ़ा जाए तो भी सटीक होगा, ठीक है, तब और अच्छा से समझ में आएगा। पहले हम देखेंगे कि यूरोप के समाज में क्या क्या विभिन्नताएं डाइवर्सिटी थी, कौन कौन से वर्ग के लोग थे, अवर्ग के लोग थे, तो नेशनलिज्म का भावना पैदा कैसे हुआ, हुआ तो इसका क्या उपाय निकला, तो 1789 में क्या हो गया, क्रांति हो गई फ्रेंच में, क्रांति हुई, फिर से नेपोलियन आया, फिर से तब कंजर्वेटिव लोग उस पावर में आ गए, ट्रीटी ऑफ वीना 1815। चार जो देश था रशिया प्रूसिया ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलकर के क्या किया, नेपोलियन को फिर से हरा दिया। तो नेपोलियन कोड तक तो पढ़ ही नहीं है, ड्रॉबैक पढ़ ही नहीं है, अब ट्रीटी ऑफ वीना पे आता है। ट्रीटी ऑफ वीना से पहले लिखवा देते हैं तो यार लिख लिया क्या ट्रीटी ऑफ वीना, अच्छा लिख लिख लो, कोई बात नहीं, रिस्टोर्ड इन फ्रेंच। तो ट्रीटी ऑफ वीना में हुआ क्या क्या, सबसे पहली बात तो बर्बन डायनेस्टी जो 1789 के क्रांति में हटा दिया गया था, या नेपोलियन के बाद उसको क्या कर दिया गया था, हटा गया था, नेपोलियन के द्वारा ही हटाया गया था, वो क्या किया, सबसे पहले रिस्टोर कर दिया, कौन फिर से लाया गया, किसके द्वारा, तो वही चारों देश के द्वारा, ऑस्ट्रिया ब्रिटेन हंगरी और
पूरी आजादी बताए ऑस्ट्रिया रशिया क्रोशिया और ब्रिटेन चार अ सीरीज ऑफ स्टेट वेयर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। फ्रांस के बाउंड्रीज पर क्या किया गया, एक स्टेट का कोई छोटा हाँ छोटी छोटी डायनेस्टीज को एक तरह से रख दिया गया कि वो भविष्य में एक्सपेंड नहीं कर पाए। ये पॉइंट नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा है लेकिन नोट कर लेना, छोटा पॉइंट याद करना है। याद क्या समझ में आएगा, सीधी सी बात है, प्रूसिया गिवन प्रूसिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंट इज प्रूसिया को या इसको इम्पोर्टेंट टेरिटरीज बस इतना याद, ठीक है। प्रूसिया को कुछ इम्पोर्टेंट टेरिटरीज दे दिया गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली पर अधिकार दे दिया गया। कौन सा नॉर्थ इटली, इटली हम बताए थे कि कुछ किस प्रकार का दिखता है। अब देखो कभी भी कोई चीज में नॉर्थ ईस्ट साइड है ऊपर के क्षेत्र, तो ये जो ऊपर का था इसी पे अधिकार ऑस्ट्रिया को दे दिया गया और ऑस्ट्रिया मैप में भी देखोगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आता है, ठीक। तो वहां पर नॉर्थ इटली पे अधिकार उसको दे दिया गया। अब आता है रशिया को और पोलैंड, रशिया को पोलैंड दे दिया गया और अंडू नेपोलियन चेंज, जनरली नेपोलियन का जो चेंज किया गया था सब चीज वो खत्म किया, लेकिन इसको लिखो फिर एक ऊपर ऊपर वाले रिस्टोर्ड को लिख लियो ना फ्रेंच। इसके बाद एक चीज और हुआ, क्या हुआ कि 39 राज्यों का जो महासंघ बनाया गया था जर्मनी में नेपोलियन के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सही करने के लिए, उसको ये चेंज नहीं किया और जनरली उस पर एक तरह से ऑस्ट्रिया या प्रूसिया के किसी ही मेटरनिक का अधिकार उस पर दिया गया था। और 39 राज्य का जो महासंघ था उसको क्या किया गया, एकदम छुआ भी नहीं गया। अब देखो जी एज ऑफ रिवॉल्यूशन में दो तीन इम्पोर्टेंट चीज है, कंजर्वेटिव लोग जो है देखो समझो यहाँ पोलैंड दे दिया गया रशिया को, तब पोलिश भाषा जो थी उसको हटाना चाह रशियन लोग जबरदस्ती पोलिश भाषा को क्या किया हटाना चाह और जगह जगह स्कूल में फ्रांसीसी लैंग्वेज को प्रमोट करने लगा, तो भाषा भी रिवॉल्यूशन का एक कारण बना। इटली पे अधिकार दे दिया ऑस्ट्रिया का, जब वो था तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालने के लिए दो भागों में कर दिया था नेपोलियन इटली को, तो उसमें तुम्हारा दो भागों में था और ये जब आया तो तीन भाग में कर दिया, सिसलिया का अलग दे दिया, पोप बीच में डील इटली जो था उस पर पोप का रोम का शासन था, तो ये सब छोटे छोटे भाग में विभाजित कर दिया गया था। कंजर्वेटिव लोग फिर से पावर में आ गए, तो पावर में आए तो कुछ रिवॉल्यूशनरी जो थे जो 1789 के क्रांति के बाद जो एक लहर पैदा हो गई थी पूरे यूरोप में, वो धीरे धीरे सभी देशों में काम करने लगी। तो उसमें से जो एक रिवॉल्यूशनरीज थे उनका नाम बार बार चर्चा में आता है, उनका इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा हाथ है जुसुपी मेज़ली, लेकिन असल में इटली का एकीकरण एक बार में नहीं हुआ, दो तीन बार लगा तब जा करके इटली का एकीकरण हुआ। एक बार जो ये थे जुसुपी मेज़ली जब क्रांति हुई तो मेटरनिक उसको मरवाने के लिए जबरदस्ती किया तो जुसुपी मेज़ली को भागना पड़ गया। फिर से 1848 की जो क्रांति हुई फिर से मेज़ली आया और फिर से उसको पलायन करना पड़ा और अंततः जो है माउंट डी काबूर के द्वारा ये इसका काम हुआ। वो बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, उसके बारे में पढ़ाएंगे द एज ऑफ रिवॉल्यूशनरी। तो सबसे पहले है कि द रिवॉल्यूशनरी
उसके बाद वो अंडरग्राउंड होना स्टार्ट कर दिया। और उसी में से एक निकल के आए जोसेफी मेंडेल, सबसे पहली बात तो बॉर्न इन जिनोवा में, वो क्यों क्या यंग इटली और दूसरा यंग लोग जो क्या थे कंजर्वेटिव के दोबारा आने के बाद आफ्टर 1850 वो खुश नहीं थे, रिवॉल्यूशनरीज थे। वो भी कैसे रिवॉल्यूशनरीज, तो नेशनलिस्ट, लिबरल नेशनलिस्ट थे, उदारवादी राष्ट्रवाद, उस राष्ट्रवाद कह सकते हैं उसको। तो उसी में से एक जोसेफी मेंडेल थे जिनका जन्म 1807 जेनेवा में हुआ था, और 1815 तक अगर वो कंजर्वेटिव पावर में आए, मतलब 1815 तक उनको बुद्धि हो गया, 1815 मतलब 8 साल हो गया, 8 साल में बच्चा बहुत कुछ समझने लगता है, तो जब पावर में आए तो उनको बुद्धि हो गया। फिर आता है इटालियन रिवॉल्यूशनरीज थे, उसके बाद आता है कि मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी के वो सदस्य थे, और ये दो ग्रुप बनाए थे। पहले तो यंग इटली, जब इटली का एकीकरण हो गया या होने लगा, जब देखने लगे कि अब हमको पूरे यूरोप को भी एकत्रित करना है, तो यंग यूरोप। और फिर आता है बिलीव इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये इटली के एकीकरण में विश्वास करते थे, यही है।